आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल नंबर नंबर है। फंक्शन फॉर कैलकुलेटिंग एरियाज एंड सेव दिस फाइल एज जोमेट्री डॉट पी तो सबसे पहले हमें जोमेट्री डॉट पी नेम से एक फाइल क्रिएट करनी है और इस फाइल में हमें एरिया कैलकुलेट करने के लिए फंक्शन डिफाइन करना है आगे क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि हमें सर्कल और स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब ये है कि इस फाइल में हम दो फंक्शन डिफाइन करेंगे एक फंक्शन जो है वो सर्कल का एरिया कैलकुलेट करेगा और जो सेकेंड फंक्शन है उससे हम स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले हम जोमेट्री डॉट पी वाई फाइल बनाएंगे और उसमें दो फंक्शन डिफाइन करेंगे एक फंक्शन से सर्कल का एरिया कैलकुलेट होगा और एक फंक्शन से स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट होगा हम वॉल्यूम के लिए भी फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं लेकिन वॉल्यूम का यूज हम इस प्रैक्टिकल में नहीं कर रहे हैं तो उस पार्ट को हमने स्किप किया है इसके बाद हमें एक न्यू फाइल ओपन करनी है और न्यू फाइल ओपन करके हमें उसमें इंपोर्ट करना है मॉड्यूल जोमेट्री डॉट पी वाई अब यहाँ पे जोमेट्री डॉट पी वाई में हम जो दो फंक्शन डिफाइन कर चुके हैं उनका यूज़ हम न्यू फाइल में करने वाले हैं इसीलिए हमें मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो न्यू फाइल है इसे हमें सेम फोल्डर में सेव करना है जहां पे हमने जोमेट्री डॉट पीवा फोल्डर जोमेट्री डॉट पीवा फाइल सेव की है तो सेम फोल्डर में हम ये दोनों फाइल को सेव करेंगे राइट अ फंक्शन पॉइंट शेप वॉल्यूम एक्स कॉमा वाई कॉमा स्क्वायर बेस दैट कैलकुलेट्स वॉल्यूम ऑफ अ स्क्वायर पिरामिड इफ स्क्वायर बेस इज ट्रू एंड ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इफ स्क्वायर बेस इज फॉल्स अब हमने जो न्यू फाइल बनाई है उसमें हमें एक फंक्शन डिफाइन करना है फंक्शन का नेम है पॉइंट शेप वॉल्यूम ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है इसमें थ्री पैरामीटर्स होंगे एक्स वाई एंड स्क्वायर बेस ये जो फंक्शन है ये वॉल्यूम ऑफ ए स्क्वायर पिरामिड कैलकुलेट करेगा इफ स्क्वायर बेस इज ट्रू मीन्स अगर हमने थर्ड पैरामीटर स्क्वायर बेस की वैल्यू ट्रू दी है तो उस केस में स्क्वायर पिरामिड का वॉल्यूम कैलकुलेट होगा और अगर ये वैल्यू फॉल्स है मीन्स अगर स्क्वायर बेस की वैल्यू हम फॉल्स देते हैं तो उस केस में राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम कैलकुलेट होगा अब यहाँ पे जो थ्री पैरामीटर्स हैं उसमें एक्स इज द लेंथ ऑफ एन एज ऑन ए स्क्वायर इफ स्क्वायर बेस इज ट्रू तो अगर स्क्वायर बेस ट्रू है तो उस केस में x जो है वो लेंथ है लेंथ ऑफ एन एज ऑन ए स्क्वायर, और अगर ये फॉल्स है, मतलब अगर स्क्वायर बेस की वैल्यू हमने फॉल्स दी है, तो उस केस में एक्स जो है वो रेडियस ऑफ सर्कल है वाई दोनों ही केस में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है मीन्स यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सबसे पहले हमें स्क्वायर बेस को डिस्टिंग्विश करना है स्क्वायर बेस से हमें पता चलेगा कि हम कौन सा वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं तो फर्स्ट यूज स्क्वायर बेस टू डिस्टिंग्विश द केसेस क्योंकि दो केस हो सकते हैं स्क्वायर बेस ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है अगर स्क्वायर बेस ट्रू है तो वहाँ पे स्क्वायर पिरामिड का वॉल्यूम कैलकुलेट होगा और अगर स्क्वायर बेस फॉल्स है तो उस केस में राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम कैलकुलेट होगा अब यहाँ पे जब हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं तो सर्कल एरिया और स्क्वेयर एरिया जो फंक्शन हमने जॉमेट्री डॉट पी वाई में डिफाइन किए थे उनका हम यूज कर रहे हैं और इसीलिए हमने जोमेट्री मॉड्यूल को इंपोर्ट किया था सबसे पहले हम मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट कर लेंगे क्योंकि इस प्रोग्राम में हमें मैथ फंक्शन यूज़ करना है हम पाई का यूज करने वाले हैं तो मैथ को इंपोर्ट कर लेते हैं उसके बाद हमें फंक्शन डिफाइन करना है फर्स्ट फंक्शन जो है वो हम सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए डिफाइन कर रहे हैं फंक्शन का नेम हमने लिया है सर्कल एरिया और हमको मालूम है कि एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम वो फॉर्मूला लिख देंगे पाई आर स्क्वायर तो ये जो फंक्शन है ये रिटर्न करेगा एरिया ऑफ सर्कल सिमिलरली हमें सेकेंड फंक्शन डिफाइन करना है और जो सेकेंड फंक्शन है वो एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए है तो सेकेंड फंक्शन हम डिफाइन कर लेते हैं स्क्वायर एरिया और स्क्वायर जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमको मालूम है कि उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस का स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर करेंगे हम अब यहाँ पे हम फाइल को सेव कर लेते हैं पाइथन प्रैक्टिकल्स हमारा फोल्डर है उसमें जोमेट्री डॉट पी वाई नेम से हम इस फाइल को सेव कर रहे हैं तो सेम फोल्डर में हमें सेकेंड फाइल भी सेव करनी है अभी हमने इसको सेव किया है जोमेट्री डॉट पी वाई नेम से न्यू फाइल ओपन करेंगे और इस फाइल को हम सेम फोल्डर में सेव करेंगे जहां पे हमने geometry.py डॉट पी वाई को सेव किया है मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट जोमेट्री और एक फंक्शन डिफाइन करेंगे जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें एक फंक्शन डिफाइन करना है पॉइंट शेप वॉल्यूम और उसमें हमें थ्री पैरामीटर्स रखना है एक्स वाई और स्क्वायर ऐसा मेंशन था लेकिन वाई जो है वो हाइट के लिए है तो हम यहाँ पे एच ले लेते हैं क्योंकि दोनों ही केसेस में एच हाइट के लिए है और एक्स जो है वो चेंज हो रहा है इफ स्क्वायर मीन्स अगर स्क्वायर की वैल्यू ट्रू होती है तो उस केस में जो हमारा बेस है वो स्क्वायर रहेगा और तब हमें स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करना होगा तो अगर स्क्वायर ट्रू है तो स्क्वायर एरिया कैलकुलेट होगा और अगर स्क्वायर फॉल्स है स्क्वायर की वैल्यू अगर फॉल्स है तो इसका मतलब है कि बेस जो है वो सर्कल है और उस केस में सर्कल का एरिया कैलकुलेट होगा और ये जो दोनों एरिया है स्क्वायर एरिया और सर्कल एरिया ये हमने इस प्रोग्राम में डिफाइन नहीं किया है ये हमने जोमेट्री डॉट पी वाली फाइल में डिफाइन किया था तो इसलिए हम यहाँ पे उस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहे हैं और उसका यूज़ कर रहे हैं तो ये जो बेस का एरिया है ये हमारा जोमेट्री वाली फाइल में जो हमने फंक्शन डिफाइन किया था वहां से कैलकुलेट होगा उसके बाद हम रिटर्न करेंगे h इन टू बेस डिवाइड बाई थ्री पॉइंट जीरो ये फार्मूला है क्योंकि इस प्रोग्राम में हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो वॉल्यूम यहाँ पे कैलकुलेट होगी प्रिंट करेंगे डायरेक्टरी जोमेट्री ये भी हमें क्वेश्चन में दिया था और उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे वॉल्यूम फंक्शन को कॉल करेंगे पॉइंट शेप वॉल्यूम और दो केसेस हमारे पास हो सकते हैं तो दोनों ही केसेस का एग्जाम्पल देख लेते हैं फर्स्ट केस जो हमारे पास है वहाँ पे स्क्वायर की वैल्यू ट्रू हम रखेंगे सबसे पहले एक्स दे देते हैं थ्री हाइट दे देते हैं टू पॉइंट सेवन और स्क्वायर हमने दिया है ट्रू मीन्स यहाँ पे जो स्क्वायर एरिया है वो बेस रहेगा और जो वॉल्यूम कैलकुलेट होगा वो का होगा और सेकेंड केस में जो वॉल्यूम कैलकुलेट होगा वो राइट सर्कुलर कोन का होगा क्योंकि यहाँ पे हम स्क्वायर बेस में फॉल्स दे रहे हैं तो फॉल्स देने का मतलब ये है कि जो बेस है वो सर्कल है तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला यूज होगा बेस कैलकुलेट करने के लिए और वॉल्यूम राइट सर्कुलर कोन का कैलकुलेट होगा फाइल को सेव करेंगे रन करेंगे तो इस तरीके से इसका आउटपुट हम देख सकते हैं प्रैक्टिकल नंबर एट बी राइट अ प्रोग्राम टू इंप्लीमेंट एक्सेप्शन हैंडलिंग पाइथन में जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें सिंटेक्स एरर हो सकते हैं सिंटेक्स एरर का मतलब ये होता है कि हमने कोड में कुछ मिस्टेक की है मतलब अकॉर्डिंग टू सिंटेक्स हमने अगर कोड नहीं लिखा है जैसे कि अगर कहीं पे हमने कोलन मिस किया है कहीं पे हमने आ, कुछ ब्रैकेट मिस किया है तो उस टाइप के जो एरर होते हैं वो सिंटेक्स एरर होते हैं और अगर हमारे प्रोग्राम में सिंटेक्स एरर है तो जब हम प्रोग्राम रन करते हैं तो प्रोग्राम रन नहीं होता है बल्कि हमको एरर आता है बट समाइम्स ऐसे भी हो सकता है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो सिंटैक्टिकली करेक्ट है मीन्स हमने प्रोग्राम करेक्ट लिखा है लेकिन उस कोड का जो रिजल्ट है वो एरर है तो इस टाइप के एरर्स को हैंडल करने के लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करते हैं एक्सेप्शंस आर रेस्ड व्हेन द प्रोग्राम इज सिंटैटिकली करेक्ट But the code result in an error. This error does not stop the execution of the program. However, it changes the normal flow of the program. तो so, execution तो stop नहीं होगा, लेकिन जो program का normal flow है, वो change हो जाएगा. तो so, इस type के जो error होते हैं, उनको handle करने के लिए हम try and except statement का use करते हैं.

और उनको हैंडल करने के लिए मीन्स एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हम जो स्टेटमेंट लिखते हैं उनको हम एक्सेप्ट क्लॉज के अंदर लिखते हैं इसे अब हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे पायथन में कई टाइप के एरर हो सकते हैं जैसे कि मॉड्यूल से रिलेटेड एरर हो सकते हैं वैल्यू एरर होते हैं जीरो डिवीजन एरर होते हैं तो यहाँ पे हम वैल्यू एरर और जीरो डिवीज़न एरर को हैंडल कर रहे हैं तो ट्राई और एक्सेप्ट ये दो क्लॉज हमने लिए हुए हैं यूजर से हम एक नंबर एंटर करवाते हैं हंड्रेड से हम उस नंबर को डिवाइड करेंगे और उसे आर ई एम नेम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे अब यहाँ पे हमने जो एरर लिया है वैल्यू एरर जीरो डिवीज़न एरर ये हमें एज इट इज ही लिखना है क्योंकि ये कीवर्ड है अब प्रिंट करेंगे समथिंग इज रॉन्ग मीन्स अगर हमारा जीरो डिवीज़न एरर आता है तो प्रिंट होगा समथिंग इज रोंग अदरवाइज जो रिजल्ट है वो प्रिंट हो जाएगा तो प्रोग्राम को हम सेव कर लेंगे और रन करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक नंबर एंटर करेंगे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे नंबर लेते हैं वन ट्वेंटी तो रिजल्ट आ गया जीरो पॉइंट एट क्योंकि वन ट्वेंटी जो है वो बड़ा नंबर है लेकिन इन केस अगर हमने जीरो लिखा है तो आएगा समथिंग इज रॉन्ग तो इस तरीके से हम एक्सेप्शन हैंडलिंग कर सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिलर अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पे न्यू हैं आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें